नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेके चल रहे हैं बिहार की ओर। बिहार में बीते सोमवार और मंगलवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पटना समेत कई जिलों में छात्र बड़ी तादाद में रेलवे पटरी पर जमा हो गए। सोमवार को राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा में छात्रों को किसी तरह काबू में रखा गया था। मंगलवार को भी ये प्रदर्शन जारी रहा। मंगलवार को छात्रों ने जमकर बवाल काटा। कई जगह रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया तो कई जगह रेलवे की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग भी की। अभ्यर्थियों के अनुसार आरआरबी ने 2019 में एनटीपीसी का 75,000 पदों पर बहाली निकाली थी और उसकी परीक्षा सितंबर 2021 में ली थी। अब जब रिजल्ट जारी किया गया तो उसमें 20 गुना की जगह 11 गुना छात्रों का रिजल्ट जारी किया है, जिसके कारण 3.80 लाख छात्रों को CBT 2 में वंचित रह गए हैं। एक ही छात्र को 6 पदों पर रिजल्ट घोषित किया गया है, जबकि कोई भी एक छात्र एक पद पर बहाल होगा। इस तरह इस बहाली में सीट खाली रह जाएंगी अभ्यर्थियों का। और कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं होने के कारण कई छात्रों को ज़्यादा नंबर लाए हैं, अब उनके कम नंबर आ रहे हैं। यह प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। अभ्यर्थियों ने यह मांग की है कि रेलवे अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करे, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाए। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा पूर्व की भांति एक ही चरण में ली जाए। बता दें कि मंगलवार को भी अभ्यर्थियों ने राज्य भर में विभिन्न जगहों पर जमकर हंगामा किया। पटना के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया तो कई घंटे जाम के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। नालंदा, जुमई, नवादा, सीतामढ़ी, बक्सर, आरा और मुजफ्फरपुर में रेलवे ट्रैक पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आरा में ट्रेन को आग के हवाले किया। तो दोस्तों, आप बताएं कि ये घटना छात्रों के हक में है कि उन्हें पारदर्शिता की जाए, रेलवे को अपनी सारी जानकारी उन्हें दे दी जाए और एक ही छात्र को 6 जगह पर स्थान मिलता है, ऐसा गलत है? इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तब तक के लिए नमस्कार। रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है, मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।